हाय, मैं स्वस्ति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम आम और कटहल का अचार बनाने वाले हैं। आम और कटहल का अचार जितना खाने में स्वादिष्ट होता है उतना ही आसान बनाने में होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटहल को काट लेंगे और सारा छिलका हटा देंगे। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे कटहल के टुकड़े कर लिए हैं। अगर कोई मोटा हो तो उसको पतला कर सकते हैं। अब आम के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 किलो आम लिए हैं, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ऐसे ही सारे आम के टुकड़े कर लेंगे। अब ये देखिए, सारे आम के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। अब इसको अच्छे से धो के और एक प्लेट में या थाली में निकाल लेंगे। काटने के बाद भी इसको एक बार और धो लेंगे ताकि इसमें जो गोंद वगैरह हो वो निकल जाए। अब एक पतीला गैस पर डाल के उसमें 1 लीटर पानी डाल लेंगे और उसको गर्म होने देंगे। अब इसी पानी में 4 से 5 चम्मच नमक डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें उबाल आ गया है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको उबाल लेंगे। इसको अच्छी तरह पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्टीम करके इसको बाहर निकाल लेना है। हम इसको ऐसे दबा के देख लेंगे, ये हो चुका है। अब गैस बंद कर देंगे और इसमें का सारा पानी निकाल देंगे। अरे देखिए, इसमें का सारा पानी निकल चुका है। अब एक सूती कपड़े पे सारे कटहल के टुकड़े को डाल के धूप में 4 से 5 घंटे के लिए सुखा लेंगे ताकि इसमें का जो पानी एक्स्ट्रा नमी हो सारा निकल जाए। इसमें पानी थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से 4 से 5 घंटे के लिए सूखने दें और आम का भी पानी सुखा लेंगे तो इसको भी धूप में डाल देंगे। अब ये देखिए, आम में का पानी भी सूख चुका है। तो इसको एक बर्तन में डाल लेंगे और इसके ऊपर नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको 2 से 3 घंटा के लिए ऐसे मिला के छोड़ देंगे। तो आइए अब अचार के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए अजवाइन 50 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, कलौजी 25 ग्राम, सरसों 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, छोटी इलायची 9, काली मिर्च 10 ग्राम। ये सबको एक कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसको गोल्डन नहीं करना है, एकदम थोड़ा सा गरम करना है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद सौंफ को भी कर लेंगे, ऐसे अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। अब इसको भी निकाल लेंगे। अब जीरा डाल देंगे, ऐसे ही करके सबको थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे।
इसे अजवाइन कलौची सरसों ये सारे खड़े मसाले भून चुके हैं। ये ठंडा हो रहा है तब तक हम एक कढ़ाई में आधा लीटर तेल डाल के गरम कर लेंगे। इसको पूरा गरम करेंगे जब तक कि तेल से धुआं ना आ जाए। तेल पूरा गरम हो गया है तब तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक मसाला निकाल लेंगे। तो रेड चिली पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर दोनों दो दो चम्मच, हल्दी पाउडर दो चम्मच, धनिया पाउडर दो चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, काला नमक एक चम्मच, चाट मसाला दो चम्मच और ये अचार मसाला चार चम्मच, कलौंजी एक चम्मच, ये थोड़ा सा हींग और सादा नमक। अब ये तेल ठंडा हो चुका है, अब इसमें हींग डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद सारे मसाले डाल देंगे और हमने जो रोस्ट किया था सारे खड़े मसाले उसको मैंने मिक्सर जार में डाल के दरदरा पीस लिया, उसको भी डाल देंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें सादा नमक डाल देंगे, आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार ले जा सकते हैं। सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ये कटहल डाल देंगे जो कि सूख चुका था और आम भी डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा अचार बनके रेडी हो चुका है। आम और कटहल का अचार मैंने परफेक्ट तरीके से बताया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप चाहे तो यह अचार को धूप में भी रख सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, पर हम इसको एक दिन के लिए धूप में डाल देंगे ताकि अचार में अगर थोड़ा भी नमी हो तो वो नमी निकल जाए। यह देखिए मैंने धूप में रख दिया है। अब यह अचार पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अगर आपको इसमें तेल कम लगे तो तेल गरम करके भी डाल सकते हैं, ठंडा तेल बिल्कुल ना रखें नहीं तो अचार का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो तेल को पूरा गरम कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम ये एक डब्बा में, आप चाहे तो कांच के बर्तन में रखिए तो वो ज़्यादा अच्छा हो, एक डब्बा में डाल लेंगे। सूखा हुआ डब्बा होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी नमी ना हो। अब देखिए तेल ठंडा हो चुका है, अब इसमें तेल डाल के और ढक्कन लगा देंगे। आप सब आम और कटहल के अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये अचार 3-4 साल तक ख़राब नहीं होती है, आप इसे बना के रख सकते हैं, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आपको अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।